पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भर्तियों में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कहते थे पर्ची खर्ची का हुआ खेल खत्म, लेकिन अब पर्ची खर्ची नहीं चलती है, अब चलती है अटैची। भर्ती फर्जीवाड़े की कार्रवाई पर भी उठाया सवाल या निशान। सर्विस सिविलेंस कमीशन को भी भंग करने की मांग। जजपा पार्टी द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में रैली करने को भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। देश के 13 वीर सैनिक शहीद होने के बावजूद भी रैली को किया आयोजित। रैली में बजाए ढोल नगाड़े, रैली आयोजित करने की कड़े शब्दों में की निंदा। 16 दिसंबर को मनाया जाएगा विजय दिवस। तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर भी जताई चिंता। अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से कर रहे थे वार्ता। देखिए, आज हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। एक तो 12 दिसंबर को महंगाई को लेकर जिस प्रकार से खाने पीने की चीज़ें हैं, आपका तेल है, दाल है, आपकी गैस का सिलेंडर का जो दाम है उसकी जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ हो रही है, इवन जो सीमेंट बजरी रोड़ी जो घरों में अगर आप छोटा सा एक मकान भी बनाना चाहें, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, आज सब कुछ महंगा हो गया है। आज दाल जो है, कोई भी दाल 150-160 से ऊपर नहीं है। तेल जो है 190 रुपये हो गया है। इसको लेकर, महंगाई हटाओ को लेकर और किसानों की के लिए भी एक रैली का मकसद था, लेकिन वो किसान आंदोलन वापस होने के बाद तो उनके लिए जो जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए भी जो है रैली, उनको बधाई देने के लिए भी रैली जयपुर में की जा रही है। तो उसमें आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि वो पहुँचे वहाँ। और दूसरा, मुझे बड़ा ताजुब है कि विपिन दास जी, विपिन रावत जी जो हमारे कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे, वो जो हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो हमारे जनरल थे विपिन रावत जी, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ साथ तीन हमारे व्यक्ति यहाँ पर जिनकी मौत हुई है जो भार्गव्स हैं, उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन झज्जर के अंदर जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी ने अपना सम्मेलन किया, वहाँ पर जो है अपना दिवस बनाया, स्थापना दिवस, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ ढोल नगाड़े खुशियाँ मनाई गई, जबकि देश के महान सपूतों ने हेलीकॉप्टर क्रैश में विपिन रावत जी ने और उनकी पत्नी ने और 13 अफसर ने अपनी जान दी। तो इसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ जननायक जनता पार्टी का। और भर्ती घोटाला के अंदर जो मुख्यमंत्री कहा करते कि पर्ची और खर्ची नहीं चलेगी, अब तो अटैची चल रही है, तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा, HPSC और सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इनको भंग करना चाहिए दोनों को, क्योंकि उनसे, उनके मेंबरों से आज तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। और जिन छात्रों के पास भर्ती घोटाले में जिनके पास ये जिनको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, केवल एक डिप्टी सेक्रेटरी 1.5 करोड़ रुपये अपने दफ्तर में अंदर नहीं ले जा सकता, तो वो भी हमने किया। दूसरा, हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहे हैं। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी पूरे देश भर में ये मना रही है, पूरा देश भी विजय दिवस मना रहा है। 1971 में जो इंदिरा जी ने और सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में जो सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 1000 जो सैनिक, 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था, उनको, उसको लेकर असली जो विजय दिवस है वो हम जो लोग हैं रेवाड़ी में जो रतांगला पार्क के 11 बजे हम मना रहे हैं, उसके लिए भी हमने आज वर्क मीटिंग बुलाई थी। और एक 24 दिसंबर को OBC का एक सम्मेलन हो रहा है टाल कटोरा स्टेडियम में, जिसमें क्रीमी लेयर जो है 8 लाख से घटाकर 6 लाख रुपये पर रेनेम कर दिया, जो कि ये गलत है। और हम चाहते हैं जब सेंटर में 8 लाख है तो यहाँ 6 लाख हरियाणा सरकार ने क्यों कर दिया। दूसरा,
जो बीपीएल के बारे में जो लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो जिनके पास स्कूटर है या जिसके पास टेलीविज़न है या जिसके पास गैस का सिलेंडर है, उसको जो है आप उसमें नहीं लेंगे, रेफ्रिजरेटर अगर किसी के पास है तो आप बीपीएल में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ये तो कोई किसी को तोहफे में भी दे सकता है शादी में, तो उसके ऊपर दोबारा से आप विचार करें। पक्का मकान भी किसी का है तो उसकी आमदनी नहीं हो सकती है, तो ये जो उनका क्राइटेरिया है उसके ऊपर सर्वे होगा। एक आपकी जयपुर भी रैली है ना, कल जा रहे हैं, बता दिया।